कांग्रेस ने 6 विपक्षी दलों के साथ मिलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नोटिस उपराष्ट्रपति को सौंप दिया है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस के अंदर ही अंतर विरोध सार्वजनिक हो गया है। महाभियोग लाते ही कांग्रेस को पहला झटका उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने दिया है और उन्होंने इस मुहिम से दूरी बना ली है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस महाभियोग पर हस्ताक्षर न करने वालों की सूची में शामिल है। साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी इस महाभियोग के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको बता दें कि इस महाभियोग की चर्चा के बीच पहला विरोध सलमान खुर्शीद की ओर से आया। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बेहद गंभीर मामला है। मैं सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी की चर्चा में शामिल नहीं हूं। इतना ही नहीं, सलमान ने यह भी कहा कि कोर्ट से सभी पक्ष कभी सहमत नहीं हो सकते, यहां तक कि खुद कोर्ट के जजों में भी असहमति रहती है, कोर्ट के फैसले भी पलट दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह संवेदनशील मामला है, शीर्ष कोर्ट के फैसले पर राजनीति करने को उचित नहीं कहा जा सकता, यानी सलमान खुर्शीद खुद मानते हैं कि उनकी पार्टी इस मसले पर राजनीति कर रखी है।